अब जिस दिन महबूबा मुफ्ती मोदी के साथ हाथ मिलाए उस दिन बीजेपी हलाल है, और जिस दिन मुर्तजा खान मोदी के साथ हाथ मिलाए तो उस दिन बीजेपी हराम है। बातों का अपना एक जादू होता है, बातों का अपना एक असर होता है, और बात करने का अपना एक तरीका और ढंग होता है। हर बार एक ही लफ्ज़ के मानी कई बार बदल जाते हैं। जब बात करने वाले के पास ये तरीका हो कि लफ्ज़ तो एक ही है लेकिन उसके मानी हर बार बदलते हुए नजर आए। एडवोकेट मुर्तजा खान मेंढर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मेंढर में कंपेन अपने जोरों पर है। कल तरुण चुग भी मेंढर में थे, अशोक कोल भी मेंढर में थे, वाजिद बशीर टिक्कू ने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का साथ दिया जाएगा। एडवोकेट मुर्तजा खान अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि इस इलाके की तरक्की भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात नहीं कर सकती है। अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें एडवोकेट मुर्तजा खान ने भारतीय जनता पार्टी के उस उम्मीदवार की हिमायत नहीं की थी जिसकी हिमायत उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो अब एडवोकेट मुर्तजा खान जो पहाड़ियों का एक चेहरा है, पहाड़ियों के लिए लड़ाई भी लड़ी है, उस संघर्ष में मुर्तजा खान साथ साथ रहे हैं बल्कि आगे आगे रहे हैं जो पहाड़ियों ने मिलकर अपनी रिजर्वेशन के लिए लड़ी थी। इस वक्त मेंढर से बहुत सारे वीडियोज़ विजुअल्स आते हैं, कुछ इतने दिलचस्प होते हैं, मज़े के होते हैं कि आपके साथ शेयर करने का जी करता है। एडवोकेट मुर्तजा खान साहब की ये तकरीर सुनिए, फिर कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। कि क्या पीडीपी ने मिलकर बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाई ना? इख्तदार में वो इकट्ठे नहीं रहे और शायद उसी की ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा था जिसकी वजह से यहां के इंतजार हुआ है। ये मैं देख रहा था, एक तस्वीर है, ये पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जो है ये मोदी जी को गुलदस्ता पेश कर रही है जब हुकूमत बनाई जा रही है, नजर आ रहा है आपको, है ना? अब जिस दिन महबूबा मुफ्ती मोदी के साथ हाथ मिलाए उस दिन बीजेपी हलाल है, आपके लिए कह रहा हूं, और जिस दिन मुर्तजा खान मोदी के साथ हाथ मिलाए तो उस दिन बीजेपी हराम है। यार ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा मंतक है, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा फार्मूला है? आपने सुना कि एडवोकेट मुर्तजा खान क्या कह रहे हैं, एक मीटिंग में एक तस्वीर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये तस्वीर है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। महबूबा मुफ्ती नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता पेश कर रही हैं। एडवोकेट मुर्तजा खान ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती गुलदस्ता पेश करें नरेंद्र मोदी को तब बीजेपी हलाल है, और जब एडवोकेट मुर्तजा खान हाथ मिलाए बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से तो फिर बीजेपी हराम है। तो ये दोरा मयार है। मेंढर के अंदर असल में सियासत इस तरह के मोड़ ले रही है कि पीडीपी भी वहां पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां पर है, भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर है, आजाद उम्मीदवार भी वहां पर हैं। एक वीडियो कल आया था जिसमें किसी आजाद उम्मीदवार के हवाले से एडवोकेट मुर्तजा खान बात कर रहे थे, आज सीधा निशाना पीडीपी पर था। पीडीपी ही पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करती है और इस मुखालिफत का सामना पीडीपी की तरफ से मेंढर में भी एडवोकेट मुर्तजा खान को है। तो एडवोकेट मुर्तजा खान ने कहा पीडीपी की सरबरा नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाएं भारतीय जनता पार्टी हलाल, जब एडवोकेट मुर्तजा खान हाथ मिलाए तो भारतीय जनता पार्टी हराम। ये कैसा मयार है, ये कैसा दोहरा मयार है। जैसे मैंने शुरू में कहा एडवोकेट मुर्तजा खान लफ्जों से खेलना जानते हैं, लफ्जों के कई मानी समझाना जानते हैं, और ये आपने तब देखा था जब पहाड़ियों को दलाइल की जरूरत पेश आई थी मीडिया के ऊपर कि किस तरह दलाइल के साथ कन्विंस किया जाए, लोगों को बताया जाए कि पहाड़ी कबीला इस रिजर्वेशन को डिजर्व करता है। तो फिर एक मुदल्लल तरीके से, बेहतरीन तरीके से जिस शख्स ने दलाइल के साथ अपनी बात रखी थी और सिर्फ पहाड़ी ही नहीं बल्कि कई गुज्जर कबीले के रहनुमाओं को कन्विंस किया था
के पहाड़ियों डिजर्व करते हैं और पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। वो एडवोकेट मुर्तजा खान थे और अब एडवोकेट मुर्तजा खान मेंडर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखते हैं ये बातें, देखते हैं मुर्तजा खान का ये स्टाइल, ये तरीका लोगों को कितना पसंद आता है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना जुड़ते हैं।